नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम प्रियंका गांधी से करेंगे। प्रियंका गांधी वही जिन्होंने कांग्रेस को एक बड़ा नाम दिलाया। प्रियंका गांधी जब से कांग्रेस में सक्रिय हुई हैं, तब से कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस का कद और कांग्रेस को जानने की कोशिश लोगों में उतनी ज़्यादा बढ़ी है। महिलाओं के मुद्दों को उठाने वाली, जमीनी स्तर से जुड़ने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा जितना राजनीति में सक्रिय हैं, कैसे उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को पसंद किया और कैसे उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से होती है और उसके बाद प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और वो शादी में बदल जाती है, और किस तरीके से राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम देखा जाता है, इस तमाम मुद्दों को लेकर आज इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। दरअसल 13 साल की उम्र में प्रियंका पहली बार रॉबर्ट वाड्रा से मिली थी। रॉबर्ट को सबसे अच्छी बात प्रियंका में जो लगी थी वो थी उनकी सादगी। सादगी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी साड़ी पहने, सूट पहने, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई भी ओवर नहीं किया। यहाँ पर सादगी के साथ प्रियंका गांधी नजर आई और इसी सादगी को पसंद कर बैठे रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से इस प्रेम कहानी को लेकर बताया वो काफ़ी दिलचस्प रूप लेती हुई नजर आई। आपको बता दें कि 13 साल की उम्र में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। प्रियंका की दिलचस्पी भी रॉबर्ट में बढ़ने लगी। देखते ही देखते दोनों के रिश्ते मजबूत हो गए और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। आइए जानते हैं कब और कैसे रॉबर्ट वाड्रा ने किया था प्रियंका गांधी को प्रपोज। एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में रॉबर्ट ने इस रात से पर्दा उठाया था। रॉबर्ट ने बताया कि जब वो ब्रिटिश स्कूल में साथ पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि प्रियंका उनमें दिलचस्पी रखती है। उसके बाद इन दोनों ने मुलाकात की। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर दिखाया कि प्रियंका गांधी अगर उनमें दिलचस्पी रखती है तो उन्हें आगे आकर बात करनी चाहिए। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी से बातचीत की शुरुआत की। दोनों की बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। रॉबर्ट से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने प्रियंका को कैसे प्रपोज किया तो रॉबर्ट थोड़ा शर्माए और उसके बाद शर्माते हुए उन्होंने जवाब दिया। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने प्रियंका को घुटने पर बैठकर प्रपोज नहीं किया, किसी फिल्मी अंदाज में उन्होंने कोई भी सीन क्रिएट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से प्रियंका गांधी सादगी के साथ उन्हें पसंद आई थी, उसी तरह से उसी सादगी के साथ प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत की। रॉबर्ट ने बताया कि दोनों ने साथ बैठकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। उसके बाद दोनों के बीच मुलाकात बढ़ती गई, बातचीत बढ़ती गई और उसके बाद ये मुलाकात प्यार में बदली और प्यार के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अफेयर के दिनों में रॉबर्ट प्रियंका और अपने रिश्ते के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका रिश्ता निजी तौर पर देखा जाए, यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक ना हो पाए, जैसे कि देखा जाता है कि कोई बॉलीवुड स्टार हो या कोई राजनीति से जुड़ा हुआ, उनका रिश्ता खुलकर सबके सामने आता है और जग जाहिर हो जाता है। लेकिन रॉबर्ट को ये बात कतई पसंद नहीं थी। रॉबर्ट चाहते थे प्रियंका का उनके साथ रिश्ता साफ तौर पर खुलकर सामने ना आए और दोनों का रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे। रॉबर्ट अपने रिश्ते को लेकर जितना यहाँ पर एक्टिव नजर आए थे उतना एक्टिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी इन दोनों के रिश्ते की भनक लगे। रॉबर्ट का मानना था कि लोग इस रिश्ते का गलत मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। दोनों के बीच काफ़ी समय तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद प्रियंका और रॉबर्ट ने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया और शादी की इच्छा जाहिर की। उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा के पिता उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें नहीं पसंद था कि यहाँ पर प्रियंका गांधी उनकी बहू बनकर आए। लेकिन बाद में
इन दोनों ने उन दोनों को मनाया, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने मिलकर रॉबर्ट के पिता और उनकी माँ को मनाया, जिसके बाद ये दोनों मान गए और उसके बाद साल 1997 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी रीति रिवाज के साथ हुई। दोनों की शादी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के साथ हुई। पूरी रीति रिवाज के साथ यहाँ पर दुल्हनिया बनकर रॉबर्ट वाड्रा के घर गई प्रियंका गांधी। उसके बाद इनका रिश्ता यहाँ पर सही तरीके से चलता हुआ नजर आया। अभी रॉबर्ट और प्रियंका के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। रॉबर्ट ने इंटरव्यू में बताया कि बच्चों की जिम्मेदारी प्रियंका ही संभालती हैं। रॉबर्ट घर का सारा खर्च संभालते हैं और फिजूल खर्ची पर डांट भी लगाते हैं। अब ऐसे में रॉबर्ट की बात की जाए तो राजनीति से दूर ही रहते हैं। राजनीति में प्रियंका गांधी के पति और उनके दोनों बच्चे सक्रिय नजर नहीं आते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का जिक्र किया जाए तो प्रियंका गांधी ही हैं जो कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। और 2024 के चुनाव से पहले सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देती हुई भी नजर आ रही हैं। प्रियंका का जिक्र किया जाए तो जंतर मंतर पर महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाने से लेकर राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने तक साफ तौर पर उनकी छवि दिखाई दी। ऐसे में अपने भाई राहुल गांधी का भी भरपूर साथ देती हुई भी वो नजर आई। राहुल गांधी को इंसाफ दिलाने के लिए, महिलाओं के हक की आवाज उठाने के लिए जमीनी स्तर से जुड़ी हुई प्रियंका गांधी साफ तौर पर नजर आए। जब जंतर मंतर पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को यहां पर जरूरत थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंची। जब राहुल गांधी को अपनी बहन की जरूरत थी तो कदम के साथ कदम मिलाती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दी और राजघाट से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कहती हुई भी नजर आई। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सीधे तौर पर हर राज्य में जा रही हैं और अपनी कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए जी जान मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में राजनीति में अब एक स्टार प्रचारक के रूप में और कांग्रेस के चेहरे के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जा रहा है। अब कर्नाटक में प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से जीत तो हासिल हुई, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तमाम राज्यों में भी प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मजबूती पेश करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा का सफर, एक प्रेम कहानी, बीच में तकरार और उसके बाद कैसे एक राजनीतिक सफर शुरू होता है प्रियंका गांधी का और किस तरीके के साथ मजबूती दिखाई देती है प्रियंका गांधी वाड्रा में, ये आज हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा हमारा खास प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और प्रोग्राम और ऐसे ही दिलचस्प कलाकारों के साथ आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।